नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। सावधान सावधान सावधान, आप लोगों को याद होगा मोदी जी ने कहा था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झगड़ा उठा के चल देंगे। पूरे 6 साल पब्लिक भ्रम में रही कि मोदी जी कितने अच्छे आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, और कौन सा झोला होगा ये पता ही नहीं। मगर भेद खुल गया उस झोले का, वो झोला खुल रहा है अडानी अंबानी के थ्रू। जी हाँ, सही सुना आपने, सही सुना आपने। रिजर्व बैंक ने अडानी और अंबानी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैंक खोलने की इजाजत दे दी। तो ये है मोदी जी का झोला। सनसनी फैल गई पूरे हिंदुस्तान में, मोदी जी के झोले की पोल खुल गई। मेरी भारतीय समस्त जनता से अपील है, क्योंकि अंधभक्त तो मानेंगे नहीं, मगर इतने होशियार हैं, अंधभक्त कोई भी अडानी अंबानी के बैंक में अपना खाता नहीं खोलेगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी के झोले हैं। ये दोनों, ये हैं असली झोले जिसे वो लेके एक दिन चल देंगे। तो ये उसमें अपने पैसे जमा नहीं कराएंगे अंधभक्त, ये ऊपर ऊपर से बोलेंगे। मगर हिंदुस्तान की समस्त जनता होशियार रहे, इन बैंकों में अपना कोई भी खाता ना खोले, नहीं तो जो जो अपना इसमें पैसा जमा कराएगा और आपका पैसा झोले में जाता जाएगा, और फिर एक दिन मोदी जी झोला उठा के चल देंगे। आप समझ सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद कितनी बुरी तरह घायल हुई है, और उस पर से जीएसटी का हथौड़ा सर पे मार दिया गया। जहां पीएमसी बैंक महाराष्ट्र के अंदर डूब गया, यस बैंक के लाले पड़ गए, वो डूबने की कगार पे पड़ गया, और उसके बाद ये लक्ष्मी विकास बैंक, वो डूबने की ओर जा रहा है। जो अपने बैंक डूबने पे, यानी कि सरकारी संस्थान जितने भी हैं वो डूबने पे जा रहे हैं, प्राइवेट, अब ये बैंक खुल रहा है। समस्त जनता जानती है कि देश के अंदर कितनी अराजकता, और किसी तरीके से भी पैसा पब्लिक का इकट्ठा किया जाए, उसके दमड़ी एक एक पाई उससे निकाल ली जाए, भूखे मर जाए देश के लोग, उस चलन पे चल दिए हैं ये लोग। यस, हमारे से बदला ले रहे हैं कि 70 साल सत्ता में हम नहीं आए, उसका बदला जनता से एक एक लेंगे। सबका साथ सबका विकास, आप लोग देख लो ये क्या देश में साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे अडानी अंबानी का। सारा देश का माल बीएसएनएल जैसी इतनी बड़ी कंपनी, और जिए हो रही है धन धनाधन, जिए धन धनाधन, बताओ जी। अरे भाई साहब, वो कंपनियां, उनके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती, वहां पर फैसिलिटियां बढ़ाई जाती, वहां जो आज तक डाटा 4 GB तक का, 3 GB तक भी वहां की रेस्पॉन्स पहुंची नहीं है, और जियो देने जा रहा है 5 GB, समझ रहे हो आप, वो 5 GB डाटे पे जा रहा है। तो बताने की जनता को, हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है, और उसे एक एक चीज का मालूम है। कोई भी इन बैंकों में पैसे जमा मत कराना, क्योंकि नंबर 1, फिर कह रहा हूं दोबारा, ये अंधभक्त है ना, दो अंडों के भक्त, ये पैसा जमा नहीं कराएंगे। इनको पहले से बता कि ये झोला है मोदी जी का। इसी के साथ जय हिंद।